वेलकम बैक नाज़रीन। मेरा साहब, मरियम नवाज़ शरीफ और नवाज़ शरीफ की तकरीर पे पैमरा को इंस्ट्रक्शन दे दी गई है कि पाबंदी लगा लें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो के बारे में जो इन्होंने इतनी ज़्यादा स्पीचेस की हैं। एक क्लिप देखते हैं, उसके बाद वापस आके इस पर बात करते हैं। लेट्स वॉच आउट द क्लिप। जब अदालत ने पहला फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने और JIT बना दी, तो आपको पता है JIT किस तरह बनी, किसने बनाई और उसमें क्या काम हुआ। मैं अदालत में मौजूद होती हूँ, मियां साहब के साथ बैठी होती हूँ। जब हम गवाहों की बात सुनते हैं तो यकीन मानो हंसी आती है। ये क्लिप देखा आपने, अब इसमें आप कंटेंट देखें कि उसमें कितना ज्यादा तोहीने अदालत का अंसर मौजूद है। अब देखें ना, क्लिप दिखाने का मतलब यही होता है कि हम लोग जो हैं वो TV वाले, अखबार वाले, न्यूज वाले, मीडिया वाले जो भी लोग हैं वो कोई गलत नहीं बोलते, और आवाम के सामने ये चीजें पेश की जाती हैं कि क्या आपने लफ्ज अगले के सामने बोले कि नहीं बोले। तोहीन अदालत देख लें किस किस तरह वो कर रहे हैं। कभी 5 जजों का कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि करोड़ों लोगों ने सिलेक्ट किया और 5 लोगों ने निकाल दिया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट किया जा रहा है। अब 5 लोगों का आप नाम लेंगे, उसके बाद 5 जजों का नाम ले देंगे, तो 5 लोग तो वही हो गए ना, बिल्कुल। और ऊपर से उठकर तो नहीं है, आप अदारों का नाम ले रहे हैं और सीधा सीधा उनके खिलाफ जो है उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और आवाम को भी उनके खिलाफ कर रहे हैं कि हम अदारों की बात ना मानेंगे, ना मानते हैं, ना मान सकते हैं। तो लिहाजा नेक्स्ट आने वाले वक्तों में भी अगर हम लोग इस तरह अदारों के जो फैसले किए गए हैं उनकी अगर बात नहीं मानेंगे। शुरुआत में आप देख लें ना कि नवाज शरीफ साहब जो है, जब यूसुफ़ज़ा गिलानी साहब जो हैं उस वक्त वो उनको इन्होंने नाहल करार दिया, तो नवाज शरीफ साहब कहते थे, वो अहमद मीर साहब के एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि ये अदलिया की आप क्यों बात करते हैं, अदलिया जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है, हमें 10 वजीर अदा भी इसके ऊपर कुर्बान करने पड़ जाए तो हम कर देंगे। तो भाई आप तो एक है, अभी बाकी तो 9 रह गए हैं, इनसे वही बर्दाश्त नहीं हो रहा। अपनी बात ये करते हैं, मरियम नवाज साहबा तो अभी आई हैं, उनको तो पता नहीं सियासत में क्या करना है, किस तरह खेलना, किस तरह नहीं खेलना। वो नई नई आई थी, उनको जरा अपने तरीके से अपना रवैया थोड़ा सा बेहतर रखना चाहिए था। जाहिर है अगर आपके खिलाफ अब केस चल रहा है आपको गुस्सा तो आता है, लेकिन इस तरह तरीकाकार ये गलत है कि आप लोगों ने ये गलत बातें की हैं, अदलिया के खिलाफ किए हैं आप, अदारों के खिलाफ आप बातें कर रहे हैं। इससे लोग जो है वो इश्तियाल पेश आता है ना, लोगों को समझ लगे, इंतजार फैलने की कोशिश होती है कि आप आवाम को बता रहे हैं कहीं आप लोगों ने जो इन्होंने हमारे खिलाफ फैसला किया है आपने हमारे साथ निकलना है। उधर से कैप्टन सफदर साहब कहते हैं कि अगर हथकड़ियां लगेंगी तो सारे इकट्ठे आवाम भी साथ जाएगी। आवाम ने तो कुछ नहीं किया ना भाई, आपके सामने जो फैसले आए हैं झूठ बोले गए, झूठ वो आपके सामने साबित हो गया, और अभी आप कहते हैं कि अदलिया के खिलाफ हमने कोई बात नहीं की, ना कर सकते हैं। अभी साद रफीक साहब भी चुप हुए हैं, निहाल हाशमी साहब भी चुप हुए हैं, और तलाल चौधरी साहब भी बड़े ठंडे होकर बैठे हैं। भाई आप शुरू में ऐसी बातें ना करते ना, एक ही मेरा ख्याल पीछे बचे हैं, राणा सनाउल्ला साहब, ठीक है ना, वो मेरा ख्याल है अभी मेरा ख्याल जो बच गए हैं वो शायद बच ही गए हैं, वो किसी और पार्टी की तैयारी करते होंगे, वो वैसे चुप हो गए होंगे, मैं ना ही बोलूं वो, आप वैसे चुप हो गए कि आगे ना ही बोलो तो अच्छी बात है। देखिए 2012 की अगर तकरीर आप सुने ना नवाज शरीफ साहब की, जब यूसुफ रजा गिलानी साहब को नायर किया गया, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि ये कुछ जंगल का कानून नहीं है, ये जंगल मशहूर हुआ था, और आप फौरन अपने ओहदे से इस्तीफा दें और अदालत में पेश हो जाएं और आप जनाब ट्रायल करवाएं और उसके बाद आप अगर क्लियर होते हैं तो आप दोबारा बेशक कुर्सी संभाल। अब इनको ये भूल गया था, जब नवाज शरीफ साहब की अपनी बारी आती है तो नवाज शरीफ साहब कहते हैं जी कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, मुझे क्यों निकाला। और मियां साहब आप कम से कम आप खुद तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखे ना, इसमें बेसिकली देखे ना आप, नहीं, वो नहीं आप, लोग आप उस सिस्टम को जो है ना पार्लियामेंट के उस सिस्टम को बेसिकली आप कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं कि जब आप एक वजीर आजम किसी भी और जमात का नायल होता है तो उस वक्त आप खुश होते हैं, और जब आप खुद होते हैं तो फिर वो खुश होते हैं। तो ये इसी तरह की बारियां हमने लगाई हुई है, आज तक किसी ने इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग की बात नहीं की, आज तक किसी ने नहीं कहा कि पार्लियामेंट को स्ट्रांग बनाया जाए, पार्लियामेंट का सिस्टम को स्ट्रांग बनाया जाए,
ताकि जो वज़राए आज़म हैं उनकी जब उनको इलेक्ट किया जाता है तो उस वक्त भी उनके सामने जो है वो इस तरह के लोग सामने ही ना आए, ताकि बार बार इस तरह की चीजों को फेस ना करना पड़े। और आज तक सारी सियासी जमातों ने आपस में बैठ के कोई इस तरह का लाअमल भी नहीं बनाया कि हमने कैसे प्रोटेक्ट करना है जमहूरी वज़ीरे आज़म को, और जमहूरी जो सिस्टम है उसको किस तरह हमने स्ट्रेंथन करके चलाना है। तो इसमें मेरे ख्याल से सबसे पहले तो बड़ा जरूरी यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके आपस में कंसेंसस बिल्ड होना चाहिए कि कम अज कम इस तरह के जो इश्यूज हैं जो आपको भी फेस करना पड़ता है, आपके ओपोनेंट्स को भी फेस करना पड़ता है, पहले तो आके आप इसमें कोई ऐसा लायमल तय करें, इस पर कोई अमेंडमेंट्स करें लॉज में, और कोई इस तरह के बेहतर लॉज बनाएं कि जिसकी वजह से आप लोग कम अज कम इसको सर्वाइव कर सकें। और स्पेशली एक सिस्टम ऐसा डेवलप होना चाहिए, ये आप क्यों बार बार, क्या नवाज शरीफ अगर वजीर आजम अगली दफा नहीं आ सकते तो मुल्क में सारा कुछ खत्म हो जाएगा? क्या नवाज शरीफ के अलावा अगला कोई बंदा नहीं है कि जो पीटीआई से या सॉरी पीएमएलएन से जो है वो कोई और बंदा आ सके? तो इसको भी ना आप नीचे थोड़ा सा चीजों को डिवॉल्व करना सीखें, ताकि जो पावर्स ट्रांसफर करना सीखें, नई लीडरशिप तैयार करें, ताकि नए लोग जो है वो आके उसको मौका मिले मुल्क की खिदमत करने को, बजाय इसके कि आप ये कहेंगे सिर्फ नवाज शरीफ है वही वजीर आजम बनना है, वजीर आजम नवाज शरीफ, वजीर आजम नवाज शरीफ, बस उसके अलावा कोई नारा नहीं है किसी का। भाई आप अपनी जमात के अंदर सबसे पहले जमहूरियत लाएं और नए लीडरशिप को प्रमोट करें। शायद का कान अबासी साहब आए, बड़ी मुश्किल से आए बेचारे, लेकिन चले आगे, वो अभी भी अपने आप को वज़ीर आज़म नहीं हूं। इसी तरह आप कल कोई नया कारकुन सामने जमहूरी पार्टी है और आप लोगों को प्रमोट करते हैं, वो तो देखे ना, वो तो वही एक सिस्टम है ना कि पार्टी के अंदर एक किंगशिप वाला जो है ना सिस्टम है ना, कि बादशाह के होते हुए किसी वजीर की या किसी और की क्या जरूरत है कि वो कहे कि जी मैं बादशाह बन गया हूं। तो इस वजह से बादशाह को मेरे ख्याल से खत्म करने की जरूरत है और पॉलिटिकल पार्टीज को इस पे कंसेंसस बिल्ड करना की जरूरत है कि सिर्फ नवाज शरीफ नहीं, सिर्फ जरदारी, बेनजीर, बिलावल और इन्हीं लोगों से जो है ना अब चीजें आगे जानी चाहिए, ट्रांसफर होनी चाहिए, इमरान खान से भी चीजें आगे ट्रांसफर होनी चाहिए, ताकि पता चलना चाहिए कि यार ये वाकई जमहूरियत पसंद जमाते हैं और ये खुद अपनी पार्टी में जमहूरियत रखती हैं, ताकि बाकी लोग भी जो है वो आपकी उसी तरह रिस्पेक्ट करें, बजाय इसके कि लोग फिर आपको कहें कि जी आप लोगों को कहें मैं मुझे क्यों निकाला और लोग फिर आगे से आपका मजाक उड़ाएं। बिल्कुल, जब चौधरी निसार और शहबाज शरीफ की तीसरी मुलाकात हुई है और उसके बाद हनीफ अब्बासी को भी टिकट नहीं मिला, ये दोनों चीजें इंटरलिंक्ड हैं? नहीं, मसला ये है कि चौधरी निसार साहब जो हैं, मैंने तो पहले ही कहा था कि चौधरी निसार साहब जो हैं वो इसका साथ शहबाज शरीफ का कभी भी नहीं छोड़ सकते। उन्होंने मिलकर किया है 35 साल पुराना उनका दोस्ती है, यानी दोस्ती है, वो तो खैर इमरान खान के पास भी है, साथ भी है। अच्छा। लेकिन चौधरी निसार जो है वो भी आप समझ लें कि विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है। हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि उनसे भी है। उधर वो अपनी हमदर्दियां ले रहा है इसके साथ, इमरान खान के साथ भी, और चौधरी इसको शहबाज शरीफ को भी मिल रहा है, इमरान खान की भी इधर से बातें आ रही हैं कि अगर जिस जगह पे चौधरी निसार खड़ा होगा, आजाद अगर खड़ा होगा चौधरी निसार, वहां पर पीटीआई का खिलाड़ी नहीं होगा चौधरी निसार, समझने जीत गया फिर इसका मतलब है। अब चौधरी निसार साहब जो है वो तो जाते जा रहे थे बेचारे, हनीफ अब्बासी दी विकेट को उड़ा गए ने, कौसर साहब ये तो बाकी तुहानू सारा पता होएगा, उन्होंने की कर दिता, उन्होंने विकेट उड़ाती, वो भी इनके हमसाए हैं, अब्बासी बेचारा किधर जाएगा, 5 साल हो गए उन्होंने बेचारे ने रौला पा पा के, उन्होंने मेट्रो सारी, उन्होंने इतनी गंदी मेट्रो बनाई है और उस तो एफी ड्रीन के केस चोप है ने, मोहल्ला गलियां उन्हें इन गंदियां करा छड़िया, उन्हें तो बेचारे ने बड़ी मुल्क की खिदमत करी है, बल्कि पूरा पिंडी चमका के रख दिता, करना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है कि एक हारा हुआ कैंडिडेट जो एफिड्रीन केसेस में भी शामिल है और बहुत सारे उस पे और भी इस तरह के केसेस हैं, वो शख्स जो है उसको आपने पब्लिक का जो पैसा है, अवाम का जो टैक्स का पैसा है, उससे बनने वाले प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपने चेयरमैन लगा दिया। मेट्रो का 50 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है और उसके ऊपर आपने चेयरमैन लगा दिया। मैंने आज से कुछ महीने पहले हनीफ अब्बासी साहब के हल्के से प्रोग्राम किया और जब हनीफ अब्बासी साहब के पास हम गए तो हनीफ अब्बासी साहब ने कहा मैं हल्के के बारे में कोई बात नहीं करूंगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि हनीफ भाई साहब जो है वो इतनी अखलाकी जुर्रत ही नहीं रखते कि वो हल्के के बारे में बात करें। तो आज फिर जब टिकट की बात आई है तो आज अगर उनकी अपनी पार्टी लीडरशिप ने जिनके वो आज तक नारे मार रहे हैं पिछले 5-7 सालों से और हर जगह पे जाके उनको डिफेंड कर रहे हैं, टीवी पे आके कर रहे हैं, बाकी लोगों से लड़ाइयां कर रहे हैं, आज उनकी अपनी पार्टी ने अगर ये कह दिया है कि भाई हम आपको टिकट नहीं देंगे, और मेरी प्रेडिक्शन आज से 3 महीने पहले भी थी जब मैंने उनके हल्के से प्रोग्राम किया था, तो मैंने दानियाल चौधरी के साथ भी ये प्रोग्राम, उनको भी शामिल किया था, दानियाल चौधरी को भी, और दानियाल जो है उसको
ٹکٹ پارٹی میرے خیال سے دے دے گی اور حنیف عباسی صاحب کو جو ہے وہ مائنس کر دیا جائے گا. یہ بہت زیادہ چانسز ہیں اور آج بہت سارے چینلز میں یہ خبریں بھی چل چکی ہیں کہ پارٹی لیڈرشپ نے جو ہے وہ حنیف عباسی کو جو ہے وہ ٹکٹ نہیں دیا. اس کا ریزن ایک یہ بھی ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ آلریڈی اتنا زیادہ کرائسس فیس کر رہی ہے کہ بولتے ہیں حنیف عباسی صاحب, اور اگر حنیف عباسی صاحب جو ہیں وہ یہاں سے ان کو دوبارہ ٹکٹ دیا جاتا ہے اور کل ان کی نامزدگی جو ہے یا نامینیشن پیپرز جو ہیں اس میں وہ نااہل ہو جاتے ہیں تو یہ پی ایم ایل این کے لیے ایک دوبارہ جو ہے نا ایک کرائسس جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا میرے خیال سے جنرل الیکشن کے لیے بھی. تو اگر پارٹی اس طرح کا وہ فیصلہ کرے گی تو بڑا اچھا کرے گی کیونکہ اس کو تو کم از کم آپ, ہاں اگر یہ کلیئر ہو کے آتے ہیں یہاں سے تو اس کے بعد بے شک پارٹی اس کو ٹکٹ دے. سیکنڈلی جو بات ہے راجہ حنیف صاحب جو ایم پی اے ہیں اسی حلقے سے, جب ہم نے پبلک کا سروے بھی کیا تو اس وقت بھی راجہ حنیف صاحب جو ہیں ان کو لوگوں نے پرائیورٹی دی کہ ہمارے لیے اگر سب سے زیادہ ایک ایفرٹ کی اس پچھلے پانچ سال میں تو وہ راجہ حنیف صاحب نے کی اور بہت سارے ہمارے جو ایشوز ہیں لوکل لیول کے وہ حل کروائے گئے. تو میرے خیال سے دانیال بھی ایک دانیال نے ویسے ابھی تک کچھ نہیں کیا, وہ سوائے جا کر اچھی آپشن ہے, لیکن دانیال کا ایشو یہ ہے کہ دانیال بالکل فریش ہے اور دانیال نے ابھی تک دانیال کی کچھ سروسز نہیں ہے پنڈی کے لیے, لیکن راجہ حنیف صاحب کی اگر دیکھی جائے تو ان کی بہت زیادہ سروسز ہیں پنڈی کے لیے. تو حنیف عباسی کی جگہ اگر کوئی بہتر کینڈیڈیٹ ہے تو ایک ایم پی اے کو میرے خیال سے ایم این اے شپ پہ لے آیا جائے اور جو ایم پی اے ہے اس کو اس کی جگہ پہ کوئی نیا کینڈیڈیٹ لے آیا جائے تو میرے خیال سے زیادہ بہتر ہے. دوسری بات آپ نے کی چوئی نثار صاحب کی, جو نثار صاحب اس وقت جو ہے نا بڑی کلیور پالیٹکس کر رہے ہیں. اس وقت چودھری صاحب جو ہیں وہ ریئل پالیٹکس ساری جماعتوں کے دلوں میں نا اپنی جگہ بنا کے بیٹھے ہوئے, وکٹ کے دونوں طرف چل رہے ہیں, اس میں بھی اپنی جگہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, پی ایم ایل این میں بھی جگہ بنا کے بیٹھے ہوئے, ایون پیپلز پارٹی میں بھی اپنی جگہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایون انڈیپینڈنٹ بھی اگر آتے ہیں تو ساری کی ساری پارٹی جو ہیں وہ سرنڈر کریں گی. اور کل رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ ہم اگر سب سے پہلا ٹکٹ دیں گے تو وہ چوہدری صاحب کو دیں گے. ادھر سے مریم نواز نے جب کہا ٹکٹ کی بات کی تو چوہدری صاحب نے آگے سے پھر اسٹیٹمنٹ دے دی کہ میں تو اللہ نہ کرے کہ وہ وقت ہے کہ میں آپ سے ٹکٹ مانگوں. اس کے بعد جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ دیکھیں پچھلے تقریباً ہفتے ڈیڑھ میں کوئی تین ملاقاتیں کر چکے ہیں, لیکن اور اس کے بعد ایک اور بات جو کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو جوائن کر لیں گے جو نثار صاحب یا ان کا کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی, لیکن ادھر سے بھی انہوں نے کہہ دیا کہ مردانگی کیا کہ میں اگر پارٹی چھوڑ کے چلا جاؤں. تو اتنی زیادہ کلیور پالیٹکس کر رہے ہیں چودھری صاحب اس وقت کہ اس وقت کوئی سچویشن کی سمجھ نہیں آ رہی. لیکن جس طرح میں نے پچھلے دنوں میاں صاحب ایک ریزرویشن کا اظہار کیا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں جو میری پریڈکشن تھی, سرور خان صاحب کل ایک چینل پہ بیٹھے ہوئے تھے جو ٹیکسلا والے جو انصار صاحب کے خلاف جو اکثر سرور خان دونوں طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں, سرور خان صاحب نے کل کلیئرلی کہہ دیا ایک چینل پہ بیٹھ کے کہ میں نے عمران خان کو بتا دیا ہے کہ جہاں جہاں سے جو انصار لڑے گا الیکشن میں اس کے خلاف دو حلقوں سے لڑے گا. تو اب یہ بھی بات ہے کہ کیا اگر پی ٹی آئی نے کہا کہ جی ہم کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کریں گے جو انصار, انہوں نے کہا میں کھڑوں گا, تو سرور خان صاحب نے تو خود کہہ دیا ہے کل ایک چینل پہ بیٹھ کے بھی کہہ دیا اور اس سے پہلے بھی کہہ دیا ہے کہ میں جہاں جہاں سے جو انصار الیکشن لڑے گا اس کے مخالف میں الیکشن لڑوں گا. تو کیا چودھری صاحب کی کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو سکے گی پی ٹی آئی میں, اور اگر پی ٹی آئی چودھری صاحب کے اس میں سرنڈر نہیں کرتی تو اگر چودھری صاحب کی پارٹی کے اندر بھی بہت ساری مخالفت ڈیولپ ہوئی ہے تو کیا چودھری صاحب جو ہیں وہ کوئی پبلک کا ووٹ لے سکیں گے اگر وہ انڈیپینڈنٹ آتے ہیں کہ نہیں. پچھلی دفعہ چودھری صاحب ایم پی اے کے الیکشن لڑے تھے اور وہ ہار گئے تھے, تو اس کا مطلب ہے کہ ایم پی اے اگر ہار گئے ہیں تو ایم این اے تو بہت بڑا الیکشن انڈیپینڈنٹ نہیں لڑ سکتے. انڈیپینڈنٹ حیثیت جو ہے وہ کیا ہے چودھری نثار علی خان صاحب کی, یہ بھی بہت زیادہ میٹر کرے گی چیز. دوسری چیز جو کل سرور خان صاحب نے یہ بھی کلیئر کر دی کہ ایک تو یہ کہ این اے جو چوہدری نثار کے جو پرانے این اے 52 اور 53 ہیں دونوں سے ہی میں الیکشن کانٹیسٹ کروں گا, اور نیچے جو ایم پی ایس کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی میں اپنے لاؤں گا. اور چوہدری نثار علی خان صاحب جو ہیں وہ بھی ایم پی اے کا الیکشن لڑنا بھی چاہتے ہیں اور ایک ایم این اے کی سیٹ پہ بھی لڑنا چاہتے ہیں. تو یہ کوئی میرے خیال سے ایک ایسا کلیش آئے گا کہ شاید نہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی کوئی ایسی بات بن سکے گی, اور اگر کوئی بنتی ہے تو سرور خان صاحب جو ہیں وہ ان کی کیا پوزیشن ہوگی. میں نے آج سے کچھ دن پہلے بھی یہ بات کی تھی, ابھی پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی سرور خان صاحب کو بھی چھوڑے گی, اور جو نثار علی خان صاحب جو بالکل ہی ایک ملی جلی سی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اور وکٹ کے جیسا میاں صاحب نے کہا کہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں, تو وہ جب دونوں طرف کھیلنے والا کہیں خدا نہ خاصا رن آؤٹ ہو جاتا ہے, رن آؤٹ ہو جاتا ہے یقین کریں رن آؤٹ ہو گئے بندے کو اتنا افسوس ہوتا ہے, اتنا افسوس ہوتا ہے بندہ چھکا رن آؤٹ ہو جاتا ہے. دو کشتیوں کے جب آپ سوار ہیں کہ آپ نے ایک کو بھی لارا لگایا اور دوسرے کو بھی آپ نے کہا ہوئے اور ساروں کو آپ نے کیا ہوئے, آپ وکٹ پر کھڑے ہو کر کھیلیں اور چھکا مار سکتے ہیں, جب آپ دوڑیں گے دونوں طرف جائیں گے تو آپ رن آؤٹ ہوں گے, رن آؤٹ ہونے کا بہت افسوس. یہ جو ایک اور بھی میری جسٹ
एक प्रेडिक्शन है उस हवाले से कि जो आपकी हनीफ अब्बास साहब का के हवाले से जो बात चल रही है आज बहुत सारे चैनल्स पे कि उनको टिकट पार्टी ने कहा कि नहीं मिलेगा, उसका रीजन शायद ये भी हो सकता है कि देखे पिंडी में जो ग्रुपिंग है ना पार्टी की, उसमें एक ग्रुप है चौधरी निसार अली खान का, जिसमें चौधरी तनवीर साहब भी उनको सपोर्ट करते हैं, और उसके साथ साथ दूसरा ग्रुप जो है वो है हनीफ अब्बास साहब का। हनीफ अब्बास साहब जो है वो चौधरी निसार के बेसिकली मुखालिफ है पार्टी के अंदर भी। तो मुझे ये लग रहा है कि जो शबाज शरीफ साहब के साथ जो तीन चार मुलाकातें हुई है उसमें कहीं चौधरी साहब ने ये कन्विंस ना किया हो शबाज शरीफ को, मैंने से पूछा नहीं, इंटरलिंक्ड हैं चीजें, आप जो है वो कम से कम ये जो हनीफ भाई साहब है इनको तो माइनस करें, तो कहीं ये सारी की सारी सिचुएशन जो है ये चौधरी साहब की तरफ से यहाँ पे भी कहीं उस पे विकेट के दोनों साइड पे ना खेल रहे हो, उधर शबाज शरीफ साहब के साथ भी मिल रहे हैं और उसके साथ साथ अपनी मर्जी की टिकटें भी देना चाहते हैं। बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा में जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं उनमें एक जो है इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट ये हुई है कि उन्होंने कहा है कि समर वेकेशंस में स्कूल फी हाफ हो जाएगी, क्योंकि उसमें ये होता है ना कि तीन महीने बच्चे स्कूल भी नहीं जाते और फीस पूरी दी जाती है, लेकिन उन्होंने ये ऑर्डर दिया है कि अब से समर वेकेशन में हाफ फी होगी। भाई ये है वो तब्दीली जो इमरान खान कहते हैं और करते हैं। आप अंदाज़ा करें कि पिछले दिनों केस चल रहा था हमारा गालबन हाई कोर्ट में चल रहा था केस के जो पंजाब के अंदर स्कूल हैं उनकी फीसों के ऊपर ही चल रहा था कि उन्होंने बिला वजह फीसें बढ़ाई हुई थी, उन फीसों को कम किया जाए। अभी तक मेरा ख्याल उस ऑर्डर को माना नहीं गया, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने ऑर्डर नहीं करते, ये करके दिखाते हैं कि केपीके में अब देखें ना कि अगर आपके स्कूल टीचर नहीं आ रहे, बिजली आपकी खर्च नहीं हो रही, पानी आपका खर्च नहीं हो रहा, वहां पर कोई लोग आ नहीं रहे, कन्वेंस आपका आने जाने का जो होती है वैगने वगैरह उनका, वो वैंस का भी उन्होंने यही कहा कि आप आधा ले लें या फिर ले ही ना, तो यहाँ पर वो लोग करके दिखाते हैं। अब हमें भी ये इस चीज का दुख होता है कि वो तो फ्री में तीन माह की आप फर्ज करें कि बच्चे की फीस है 30,000 रुपये आपका बनता है, अब 30,000 रुपये बचत अगर आपकी अगर हो जाए तो उससे आप कुछ भी कर सकते हैं कि तीन माह के लिए ना टीचरों ने आना है, ना वहां बिजली खर्च होगी, ना पानी खर्च होगा, ना वहां पर आपका स्टाफ आ रहा है, खर्चे आके बचत हो गए तो आवाम को वो छोड़ने चाहिए। तो शबाज शरीफ साहब जो है उनको भी इस चीज के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि जो अदालत ने ऑर्डर दिए हैं, जो फीसें ज्यादा इन्होंने बढ़ाई हुई थी और फैसिलिटीज जो इन्होंने देनी थी वो फैसिलिटीज नहीं दे सके, आप उसके ऊपर भी अमल कराने की कोशिश करें। इन्होंने तो 28,000 स्कूल हैं इस वक्त केपीके के अंदर, कोई छोटी चीज नहीं है, 1,550 स्कूल थे इन्होंने जो टूटे फूटे थे इमरान खान ने, अच्छा। वो आकर ठीक रहे, उनकी फीसें वगैरह इन्होंने जो लोगों की आपने टीचर्स को तनख्वाहें देनी थी वो तनख्वाहें नहीं दी इन्होंने करवाई, और 850 स्कूल नए बनाए जो कि 400 स्कूल जिसमें से पीपी वालों ने बनाए हुए थे उनकी उन्होंने तबाही कर दी थी पकड़ के, चार मेरे ख्याल दो दो कमरों के स्कूल थे और वो भी इमरान खान ने दोबारा ठीक करवाए, तो तब्दीली तो वैसे इसी को कहते हैं। वक्त हमारा जो है वो मुख्तसर है, आखिरी एक सवाल जल्दी से बता दें कि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इनॉग्रेशन फिर पोस्टपोन कर दी गई है और ये थर्ड टाइम हुआ है। देखें इसका तो मेरे से अलावा तो मेरे से मेरा ख्याल ज्यादा तो कोई बंदा इसको नहीं जानता होगा क्योंकि हम तो उसके करीब ही बैठे हुए, हमारे प्रोजेक्ट भी छोटे मोटे उसके ऊपर चल रहे हैं, लेकिन ये एक दफा कुछ भी अभी नहीं हुआ था, जरदारी साहब इसका इफ्तिताह करने के लिए तैयारी कर रहे थे अपने दौर में, उस वक्त अभी कुछ भी नहीं हुआ था, रनवे तैयार हो रहे थे और ये इन्होंने तैयारी कर ली थी, उसके बाद में बताया गया कि ये इसका रनवे इसका नहीं हो रहा इफ्तिताह। इसके बाद हमारी जो नून लीग है इन्होंने आए हैं, इन्होंने एक मेरा ख्याल 5 साल के अंदर अंदर 3 दफा इसकी कोशिश की है, भाई उसका इफ्तिताह अब इनको मेरे ख्याल में कर देना चाहिए था, कुछ कमियां कोताहियां थी कि वो 37 बिलियन का प्रोजेक्ट था जो कि 100 बिलियन के ऊपर पहुंच गया है, वो इतना बड़ा कौम का आपका नुकसान हुआ, ये लेट होने की वजह से महंगाई बढ़ती जाएगी आपका नुकसान होता है, तो देखे ना 50-60 बिलियन का नुकसान उसे हुआ, वो इनको होना चाहिए था। तीसरे नंबर पर इनका जो है बाहर से टीम आई थी, इन्होंने बाहर से बुलवा कर लोगों को चेक करवाया था, तो गालबन मेरा ख्याल अमेरिका से आए थे या ऑस्ट्रेलिया से आए थे, उन्होंने ये बताया था कि आपके रनवे जो है वो ठीक नहीं बने, रनवे के अंदर जो है वो दराड़े आ गई थी, वो फिर गालबन उन्होंने कोई मेरा ख्याल को पाउडर टाइप की कोई चीज दी थी जिससे उसको ठीक किया गया। फिर दूसरे नंबर पर इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ रही थी कि एक रनवे दूसरे रनवे के करीब ज्यादा आ रहा था, एक रनवे जो इंटरनेशनल आपका रनवे होता है ना वो एक दूसरे के करीब नहीं होता, उसका कुछ फासला रखना होता है, गालबन मेरा ख्याल 300 मीटर का फासला होता है, तो इन्होंने 150 मीटर रखा हुआ, जब एक ही दफा एक ही बार में आपके दो जहाज इकट्ठे नहीं उतर सकते, आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आप 70 से 80 लाख लोगों ने इसके ऊपर सफर करना है, तो इसलिए इन लोगों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था। पिछले दिनों वजीर आजम साहब गए हैं, उन्होंने दोबारा डिले किया है कि कुछ कमियां पेशी थी उनको ये ठीक करना चाह रहे थे, अब उनको कर लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि वैसे 20 अप्रैल से एयरपोर्ट रन होने लगा है, उसके बाद जो कमियां पेशी होंगी उसको कंप्लीट करने के बाद को ये मेरा ख्याल दोबारा इफ्तिताह कर देंगे, होपफुली फोर्थ टाइम ये पोस्टपोन ना हो और इसका इफ्तिताह हो जाए। अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे, बहुत अपना ख्याल रखिएगा, अब तक के लिए इतना ही, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। टाइम ओवर हो गया था, वो नाम हमने नहीं डेट दी ना।